सो गाइस, फाइनली वीवो की तरफ से V21 सीरीज का लॉन्च फाइनल हो चुका है और इसमें आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, मॉडल देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें V21 होगा, इसका प्रो वेरिएंट होगा और थर्ड होगा वीवो V21 SE वेरिएंट। तो यहां पे हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि V21 सीरीज में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या होंगी तीनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और क्या क्या नए अपग्रेड यहाँ पे आपको वीवो देने वाला है। तो अगर आपको भी Vivo के V21 सीरीज का वेट है तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर, जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। V21 सीरीज आपको 27 अप्रैल को देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, तो काफी कमाल की बात है कि इन स्मार्टफोन्स के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ दो वेरियंट आपको इस स्मार्टफोन सीरीज में देखने को मिलेंगे, इसमें V21 होगा और V21 SE स्मार्टफोन होगा, यानी कि जो प्रो मॉडल है वो आपको बाद में मार्केट में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अगले महीने Vivo उसको आपको प्रोवाइड करवाए। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ स्पेसिफिकेशन आपको इस बार इनमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों V21 स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पे आपको सेम 6.4 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले दी जाएगी, लेकिन इस बार रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि 90Hz के साथ में ये डिस्प्ले आने वाली है। तो अगर ये 90Hz के साथ में एमोलेड डिस्प्ले देते हैं तो काफी बड़ा अपग्रेड आप इसको बोल सकते हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे मिलेगा। सेकंड नंबर पे अगर इसके कैमरा की बात करें तो बैक में आपको 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा और फ्रंट में आपको 44MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले रहेगी। इस बार भी दोस्तों इन स्मार्टफोन्स में आपको पंच होल का डिजाइन नहीं दिया जाएगा, बल्कि नोच ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कैमरा वाइज ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे OIS प्रोवाइड करवा के, और एक बड़ा सेंसर है 44MP का, तो इसके साथ में पंच होल देना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे आपको नोच ही देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो Vivo V21 SE स्मार्टफोन होगा वहां पे आपको Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिलेगा। वहीं पे V21 में आपको Dimensity 800U चिपसेट दिया जाएगा और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो प्रो वेरिएंट आएगा उसके अंदर आपको Dimensity 1100 चिपसेट देखने को मिलेगा, यानी कि V21 SE एक 4G स्मार्टफोन होगा। वहीं पे V21 और इसका प्रो वेरिएंट 5G के सपोर्ट के साथ में आएंगे, जहां पे आपको 8GB का रैम भी देखने को मिलेगा और 128GB की स्टोरेज भी। तो काफी अच्छा अपग्रेड आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों प्रोसेसर के मामले में भी, कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस तीनों ही स्मार्टफोन में दी जाएगी। इसके अलावा तीनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ में आपको मिलेंगे और तीनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन के ऊपर काफी अच्छा फोकस किया गया है। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलेगी बैक में और कुछ नए कलर कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैट फिनिश के साथ में ये स्मार्टफोन आने वाले हैं, जहाँ पे काफी अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काफी स्लिम डिजाइन इन स्मार्टफोन्स का बनाया गया है और यहाँ पे बैटरी आपको डेफिनेटली थोड़ी कम मिलेगी, अप्रोक्स 4000mAh के आसपास आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगी। तो लुक्स की वजह से यहाँ पे बैटरी में कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्योंकि इनको थोड़ा स्टाइलिश स्मार्टफोन बनाना था और डिजाइन को थोड़ा स्लिम और लाइट वेट रखना था। तो यही है दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में। तो